सामने कंप्लीट हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और मैं आ चुका हूँ फेफड़ा के पास, बलियांस होटल, बलिया का एक फेमस रेस्टोरेंट एंड होटल है। जैसे अभी सामने है, इधर खाली है, इधर मुड़ सकता हूँ, उसी तरह से जो ऑप्शन मुझे वहाँ मिलेगा मैं उधर ही मुड़ जाऊँगा। तो मतलब ये अंकल जी मुझे इधर मोड़ दिए, और सामने से भी गाड़ियाँ इधर ही मोड़ रही है, मतलब उस साइड नहीं जा सकते थे, इसी साइड जाना होगा। अभी मैं सोच रहा हूँ जो भी आगे रास्ता आए वहाँ से मैं मुड़ जाऊँ, आगे जो भी रास्ता आता है उसमें मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि वो रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। कीड़ी गाले चौरा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमेशा जाम रहता है। यह है बलिया का एक लौता ओवर ब्रिज, और अभी हम आ चुके हैं विष्णुपुर चौराहा, जो बलिया का फेमस चौराहा है। यह है नागाजी स्कूल, बहुत ही बलिया का फेमस स्कूल है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे। चलते हैं आज एक न्यू फोटो ब्लॉगिंग की राइड पे और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अभी मैं हूँ बलिया के कुंवर सिंह चौराहे पे, और आज काफी रोड पे भीड़ भाड़ लग रहा है। स्वागत है मेरे इस नए राइड में। आज की मोटो ब्लॉगिंग देखते हैं किस रोड में करते हैं, क्योंकि पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं रहता है मेरा। चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कहाँ खत्म होगी ये राइड। कीड़ी गाले चौरा है और यहाँ पे काफी ज्यादा हमेशा जाम रहता है, क्योंकि बगल में ही कचहरी है और सामने कॉलेज है और चौराहा भी है। बलिया का एक सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला ये रोड है। हम आगे बढ़ते हैं। यह है बलिया का एक लौता ओवर ब्रिज। चलते हैं आगे और इसको पार करते हैं और निकलते हैं। इस बार किधर चले, सोचने वाली बात है कि किधर चले। चलिए पहले ओवर ब्रिज पार करते हैं और शहर से बाहर किसी रोड पर निकलते हैं, जो खाली मिलेगा उधर ही मुड़ जाऊंगा। ओवर ब्रिज से नीचे उतर चुका हूँ, ये सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल की तरफ क्या करेंगे, जाते हैं इधर मुड़ लेते हैं। ओके, अभी मैं नीचे मुड़ गया हूँ, सीधे जा रहा हूँ चौक की तरफ। तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। चौक की तरफ जाऊँगा तो मार्केट के अंदर जाऊँगा, और मार्केट के अंदर क्या ही मज़ा आएगा। तो हम मार्केट से बाहर निकलेंगे, और मार्केट से बाहर निकलने के लिए मेरे पास सबसे नज़दीक ऑप्शन है ये राजधानी रोड। ओके, अगर हम मार्केट से बाहर जाना चाहें तो कदम चौराहा वाला रोड भी पकड़ सकते हैं, लेकिन वो दूर पड़ेगा। सबसे नज़दीक हमें राजधानी रोड पड़ेगा, तो पहले मैं इसी को पकड़ता हूँ और उसी में निकलते हैं आगे। राजधानी रोड का मतलब कि जो रोड वाराणसी की तरफ जाता है, मऊ की तरफ जाता है, वही घूमता फिरता लखनऊ तक जाता है, इसलिए उसका नाम राजधानी रोड है। और अभी हम आ चुके हैं विष्णुपुर चौराहा, जो बलिया का फेमस चौराहा है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दवाई की ही दुकान है। इधर मेडिकल स्टोर, इधर मेडिकल स्टोर, पीछे भी मेडिकल स्टोर, हर तरह की मेडिकल स्टोर यहाँ पे आपको मिलेंगे। मालपुर हम क्रॉस कर लिए और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं राजधानी रोड में, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज मैं किधर चलूँ, क्योंकि अभी तो मैं सीधा चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। पहले निकल लेते हैं शहर से थोड़ा बाहर, उसके बाद डिसाइड करते हैं किधर चले आज। शाम का समय हो चुका है और सनलाइट सामने से आ रही है। यह है नागाजी स्कूल, बहुत ही बलिया का फेमस स्कूल है। अगर बलिया का कोई वीडियो देख रहा होगा तो मैं श्योर हूँ कि उसमें से नागाजी का कोई ना कोई जरूर ही होगा। और ये है बलिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला स्टैंड, देख रही हैं कार 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 कार, चारों तरफ कार। कौन सी? एम्बेसडर कार, बिहार के बक्सर में जाती हैं, बलिया के यहाँ से चलती हैं और बिहार के बक्सर के रेलवे स्टेशन तक लेके जाती हैं। तो एकमात्र सुविधा भी है बलिया से बक्सर जाने के लिए, वही कार सर्विस। और खाली है, हाँ खाली है, निकलते हैं इससे बाहर, उसके बाद खुल के राइड करते हैं।
ओह नो, फिर सामने से गाड़ी। सिंगल रोड है, इस वजह से ऐसा होता रहता है। अक्सर बारिश के दिनों में इधर बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस साल अभी तक पानी नहीं आया है। हो सकता है और कुछ दिन बारिश हो जाए तो पानी आ जाए, क्योंकि इधर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे गंगा नदी है, बाकी ये खेत ही खेत और फिर ये रोड। तो अगर थोड़े दिन बारिश अच्छे से हो जाती है तो इधर पानी पूरा भर जाता है। अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बलिया के सागरपाली मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। सागरपाली छोटी भी बोला जाता है इसको, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। बड़ा नहीं है, छोटा है, बट यहाँ फी ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर के गांव के लिए ये एक अच्छा मार्केट मिल जाता है। नहीं तो बाकी लोगों को बलिया ही जाना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ हो जाता है, क्योंकि रोड के इस साइड और रोड के इस साइड और कुछ आगे जो लगभग 7-8 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज के जितने भी गांव हैं सबके लिए ये एक मार्केट ऑप्शन में रह जाता है सब्जी वगैरह खरीदने के लिए और शाम का कोई भी शॉपिंग इस तरह से लोकल शॉपिंग के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगती है। अभी हम निकल चुके हैं मार्केट से बाहर, चलते हैं आगे। सामने सनसेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आ चुका हूँ फेफना के पास। बलियांस होटल बलिया का एक फेमस रेस्टोरेंट एंड होटल है। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ फेफना और सामने इधर रेलवे स्टेशन और सीधा जाने पे मऊ, वहाँ से मुड़ने पे चितबड़ा गांव या फिर बक्सर, और यहाँ से इधर मुड़ने पे नगरा। कई सारे ऑप्शन है मेरे पास, चलते हैं। जिधर उस समय स्टीयरिंग मुड़ जाए उधर मुड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे अभी भीड़ है तो इधर खाली है इधर मुड़ सकता हूँ, जैसे अभी सामने है इधर खाली है इधर मुड़ सकता हूँ। उसी तरह से जो ऑप्शन मुझे वहाँ मिलेगा मैं उधर ही मुड़ जाऊँगा और आज की राइड उसी रोड में करेंगे। फेफना से कोई है तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगता है फेफना खाने पीने के लिए। रोड पे स्ट्रीट फूड वहाँ पे लगा रहता है ढेर सारा। सामने का सनसेट काफी प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है उसी साइड जाने का, लेकिन सनसेट तक पहुंच थोड़े पाएंगे। ओ मतलब ये अंकल जी मुझे इधर मोड़ दिए और सामने से भी गाड़ियाँ इधर ही मोड़ रही है, मतलब उस साइड नहीं जा सकते थे इसी साइड जाना होगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन है आगे जाने के बाद, या तो चितबड़ा गांव के साइड या तो बक्सर के साइड। इस साइड हम जाएंगे, ये डिसाइड होगा वहाँ जाने पे। जिधर रोड खाली मिलेगा वहाँ जाने पे, जिधर रोड खाली मिलेगा उधर हम मुड़ जाएंगे और उसी रोड में आज की राइड पूरा करेंगे। इस रोड में एक महादेव ढाबा खुला है, पुराना था राजू ढाबा, अभी एक खुला है महादेव ढाबा, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप बलिया के हैं तो महादेव ढाबा के बारे में जानते हैं तो बताइएगा, नहीं तो जान जाइए, बहुत अच्छा है। या देख सकते हैं पानी है, ये तो अक्सर सूखा रहता है लेकिन बारिश बरसात का समय है इसलिए इसमें कुछ कुछ पानी दिखाई दे रहा है। सामने बंदर है, ये बंदर अंकल और ये अभी सामने आएगा मोड़ जो एक सीधा जाता है बनारस की तरफ चितबड़ा गांव की तरफ और इधर जाता है बक्सर भरौली की तरफ। तो वही सेम फार्मूला हम जाएंगे, रोड खाली रहेगा तो सीधा जाएंगे, अगर कोई भीड़ रहा कोई गाड़ी रही जिधर हमें खाली मिला हम उधर ही मुड़ जाएंगे और उसी रोड में राइड पूरा करेंगे, क्योंकि रोड तो खाली दिखाई दे रहा है। रोड खाली है, किस्मत कोई गाड़ी आ जाएगी सामने तो मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो सीधा जाएंगे। रोड खाली है, आज किस्मत चितबड़ा गांव की तरफ आगे की तरफ ले जाने वाली थी, इस वजह से हम उधर नहीं जा पाए। किसी दिन उस रोड में भी जाएंगे। दोस्तों चितबड़ा गांव में पहुंच चुका हूं और ये चितबड़ा गांव का मेन मार्केट है। स्पीड में गाड़ियां हाईवे पे ही लेके घूमा जा सकता है, क्योंकि यहाँ किसी न किसी वजह से गाड़ी की स्पीड स्लो करनी ही पड़ती है, उतना मजा नहीं आ रहा है।
सिक्स लाइन बलिया में बन रहा है, बन जाएगा, उसके बाद राइड करने में असली मजा आएगा। और वापस हमें इस रोड से नहीं जाएंगे, यही मेरे मोटर ब्लॉगिंग का मेन पर्पस है कि जिस रोड से हम जा रहे हैं उस रोड से वापस नहीं जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा रोड पकड़ पाते हैं, अभी तो सीधा जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंधेरा हो रहा है दोस्तों, और वापस जाते जाते तो अंधेरा हो जाना फाइनल है। टाइम देख लेते हैं एक बार, अभी 6:42 मतलब 7 बजने वाले हैं और हम चितवड़ा गांव वाले रोड में राइड कर रहे हैं। बलिया से चितवड़ा गांव क्रॉस कर चुके हैं, गाजीपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस रोड से वापस बलिया भी नहीं जाना है, हमें अभी डिसीजन लेना होगा कि हम किधर मुड़ेंगे, किस रोड में मुड़े और कौन से गांव को घूमते हुए आगे बढ़े। मुझे भटकते हुए रास्ता ढूंढते हुए बलिया जाना है, इस वजह से हम इको मोड में ही चलेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ जो भी आगे रास्ता आए वहां से मैं मुड़ जाऊं, क्या ये सही रहेगा? अगर मैं सीधा जाता हूँ तो चलता ही जाऊंगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं इधर मुड़ूंगा तो इधर मुड़ के मैं बलिया नहीं जा पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो घुमा के मैं उसी भरौली और बक्सर वाले रोड में जाऊंगा, और अगर मैं इधर मुड़ूंगा तो बीच में नदी पड़ेगी और क्रॉस करते हुए मैं जाऊंगा चिलकहर वाले रोड में, जो मऊ वाला रोड था। तो चलते हैं आगे, जो भी रास्ता आता है उसमें मिल जाते हैं और देखते हैं कि वो रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। ये रास्ता था लेकिन मैं गलती से उसे ध्यान नहीं दिया। ये क्या रास्ता है? नहीं, रास्ता नहीं है। एक काम करते हैं, अंधेरा हो चुका है, कभी दिन में हम गांव का रास्ता ट्राई करेंगे। अगर दिन में ट्राई करेंगे गांव का रास्ता तो हमें फायदा ये होगा कि हम जो घूमेंगे उसे देख पाएंगे। और अभी हम मेन रोड को ही पकड़ के चलते हैं, और इसी टाइप का जो एक मेन रोड होता है, लिंक रोड है, यहाँ से जैसे बातें करते करते हम यहाँ तक आ गए, हमें ध्यान ही नहीं दिए। ये है कामेश्वर धाम का गेट और इधर एक रास्ता जाता है। इस रोड में जाएंगे तो हम कामेश्वर धाम पहुँच जाएंगे, लेकिन इस रोड में मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी जाऊँगा तो फिर मुझे एक दिन और जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दर्शन करने जाना है, सावन का महीना चल रहा है। इसलिए इस रोड में कल या किसी और दिन जाएंगे, क्योंकि सावन में जाके अगर उस रोड में जाते हैं तो अच्छे से पूजा नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इस रोड में मुड़ चुके हैं, और ये रोड में मैं पहली बार जा रहा हूँ, उस रोड में मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि कामेश्वर धाम है और उस कामेश्वर धाम में मैं कई बार जा चुका हूँ और अलग अलग म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग भी किया हूँ कामेश्वर धाम मंदिर पे। कामेश्वर धाम का वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट भी पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो इस सामने जा रहे हैं, ये रोड कहाँ लेके जाएगा? शायद मऊ वाले रोड में ले जाके मिलाए, या नदी पार करके बीच बीच में से कहीं लेके जाए, देखते हैं। अभी ये सामने अंडरपास है, ये अंडरपास क्यों है? इस अंडरपास के अंदर एकदम अंधेरा है और बहुत ज्यादा धूल, डस्ट ही डस्ट है, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं। और इसमें दो रास्ता है, एक रास्ता इधर भी जाता है और ये रास्ता सीधा जाता है। इधर जाएंगे तो हम बलिया से दूर हो जाएंगे, इसलिए हमें इधर ही जाना है और बलिया की तरफ आगे बढ़ना है। कामेश्वर धाम से सीधे हम मुड़ चुके हैं और ये ग्राम पंचायत बदौलिया लिखा हुआ था, और सीधा जा रहे हैं। मैं इस रोड में कभी आया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि शायद ये रोड मटिही की तरफ जाता है, और ये 6 लाइन हाईवे जो बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको बोला जाएगा, ये 6 लाइन का हाईवे बन रहा है बलिया में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा गांव पड़ता है। दोस्तों जिस हिसाब से रोड दिखाई दे रहा है दोनों तरफ,
दोनों तरफ पेड़ और बीच में रोड और ऊंचा है, दोनों तरफ नीचे नीचे खाली खाली, अच्छा जगह है, दिन में आके घूमने लायक है। लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, कई सारे ब्रेकर्स मिले। एक और ब्रेकर, लेकिन रोड काफी सुनसान है, बदौलिया गांव का ये रोड काफी सुनसान है। दोस्तों आप लोग हमारे साथ यहाँ तक घूमे, इसके लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे साथ देश दुनिया घूमने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में, अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।